आंखों में सपने इस घर में आए हैं, हम सपनों की वो दुनिया सच करने आए हैं। भरे आंखों में सपने इस घर में आए हैं, हम सपनों की वो दुनिया सच करने आए हैं। मैं घर के आंगन में कुछ सपने बोए हैं, कुछ मुरझाए कुछ पाए, कुछ पाकर खोए हैं। नए मौसम के रंग में हम फिर से आएंगे, एक महल नया हमको मिलकर बनाएंगे। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का। घर आंखों में सपने हाँ इस घर में हैं, हम सपनों की वो दुनिया सच करने आए हैं। नए मौसम के रंग में हम फिर से आएंगे, एक महल नया हम तो मिलकर बनाएंगे। एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का, एक महल हो सपनों का। भाभी क्या हुआ? भाभी आप रो क्यों रही हैं? समीर से झगड़ा हुआ है? नहीं कुछ नहीं, ऐसी छोटी मोटी अनबन तो होती रहती है। क्या बात है भाभी, मैं सीधे आपके बेडरूम से आ रहा हूँ, आपका सारा सामान पैक्ड पड़ा है, कहीं घूमने जा रही हैं आप? आरोप गौरव तुम यहाँ क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता? नहीं 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 नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था गौरांग, व्हाट आई मेंट वाज कि ऐसे ही अचानक कैसे? पहले मुझे ये बताओ आप लोग अपना सामान पैक करके कहाँ जा रहे हो? कहीं घूमने जा रहे हो? हाँ एग्जैक्टली, हम घूमने ही जा रहे हैं। कहाँ? अबू अंबाजी। अच्छा हाँ, वो क्या है कि पारो ने मन्नत मांगी थी कि हमारा प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले अंबाजी एक बार होकर आए। आई सी, कितने दिनों का प्रोग्राम है भाभी? हाँ, नहीं अब तक डिसाइड नहीं कर पाए। समीर एक काम करो, तुम लंबी छुट्टी पर जाकर आओ। क्या मतलब? मेरा मतलब है तुम आराम से घूम फिर कर आओ, मैं भी महीना डेढ़ महीना यहाँ पर नहीं हूँ। अच्छा तुम भी जा रहे हो कहीं? नहीं, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। ओह गॉड, उन्हें मिलने जाना है। क्या हुआ है उन्हें? पता नहीं अचानक तबीयत खराब हो गई, फोन पर यह बताना ठीक नहीं लगा इसलिए खुद चला आया। आई एम सॉरी समीर, हमारा प्रोजेक्ट कम से कम डेढ़ महीना पोस्टपोन हो गया। नो प्रॉब्लम एट ऑल गौरांग, पिताजी की तबीयत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काम तो होता रहेगा, और तुम बेफिक्र होकर वहां जाओ एंड टेक केयर ऑफ। थैंक्स समीर, मैं चलता हूँ, लेकिन मुझसे बात करनी है तो मेरा फोन नंबर है ना? हाँ हाँ श्योर, तुम बेफिक्र होकर जाओ, और ज्यादा वक्त लगे तो तुम ठहरना वहां पर ज्यादा। ओके ठीक है, मैं चलता हूँ, एंजॉय योरसेल्फ एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके भाभी टेक केयर, बाय बाय। थैंक गॉड आज तो भगवान ने बचा लिया। भगवान ने नहीं, हमें गौरांग के पिताजी ने बचा लिया। सचमुच पारो उसे देखकर तो मैं एक सेकंड के लिए चकरा गया था, अच्छा हुआ डेढ़ महीने के लिए बला टली। और डेढ़ महीने के बाद क्या कहोगे तुम? कुछ देर तो सांस लेने दो मुझे, कुछ देर तो सांस लेने दो, चैन से बैठने दो मुझे, हमारे पास टाइम है ना, बहुत वक्त है हमारे पास, डेढ़ महीना है ना हमारे पास, कुछ भी बता देंगे उसे। की बात नहीं करूंगी, मुझे पता है इसका कोई फायदा नहीं। तो
आपने खाना खाया? नहीं। यहाँ पे खाएंगे या डाइनिंग टेबल पे? नहीं, भूख नहीं है मुझे। प्लीज, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, किसी ने भी कुछ नहीं खाया। आई एम सॉरी रश्मि, मुझे ऐसा लगा कि तुम समीर की बातें कर रही हो। मैं समीर के बारे में ही बात करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि एग्रीमेंट के मुताबिक उसे पैसे मिल जाए। नहीं मिलेंगे। तुम्हारे सामने इतना सब कुछ हो गया, इसके बावजूद भी तुम चाहती हो कि मैं उसे पैसे दे दूं? हाँ, क्योंकि अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। रश्मि, आज तक मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, मगर आज नहीं, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। दर दर की ठोकरी खाएगा वो, तब पता चलेगा। और ये उसके साथ अन्याय नहीं, न्याय होगा, न्याय जैसा कि उसने हमारे साथ किया है। बाबूजी, मैं जानती हूँ किसने क्या किया है। मैं मानती हूँ कि समीर गलत है, लेकिन हम भी दूध के धुले तो नहीं है ना। तो क्या करता मैं, बैठे बैठे उसकी बदमाशी देखता रहता और उसे कहता कि आ बेटा मुझे बेवकूफ बना जा। वैसे बाबूजी, आपने पहले से एग्रीमेंट गलत बनवाए थे। क्योंकि मुझे पता था कि वो अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाएगा, 19 करोड़। लेकिन वो तो पैसे देने के लिए तैयार हो गए थे ना। फिर मुझे गुस्सा आ गया था, गुस्सा। मैं भी एक इंसान हूँ, कोई भगवान नहीं हूँ। वो भी तो इंसान है बाबूजी। आप गुस्से को ठंडा करके सोचिए, समीर ने फैक्ट्री के काम के अलावा दूसरा कुछ नहीं किया। सनत भैया तो इतने माहिर है नहीं, शेखर तो दूसरे कामों में थे, रहा भाई। बाबूजी, मैं जानती हूँ कि इस एम्पायर को खड़ा करने में जितना योगदान आपका है उतना ही योगदान समीर का भी है। हम नौकर को नौकरी से निकालने से पहले भी एक रकम देते हैं। अगर समीर ने अपना हिस्सा मांगा तो उसमें क्या गलत बात है? और माफ कीजिएगा बाबूजी, कोई भी आदमी अपने हिस्से की इतनी बड़ी रकम यूं ही नहीं छोड़ेगा। अगर उनकी गलती है तो उसमें आप भी बराबर के हिस्सेदार हैं। रश्मि, तुम जाओ यहां से, प्लीज जाओ। जाती हूं, आपका खाना लगाती हूं, लेकिन मैंने जो कुछ भी कहा है उस पर प्लीज सोचिएगा जरूर, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके हाथ से कोई भी अन्याय हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे अपने मेरे साथ ऐसा करेंगे। भैया और बाबूजी तो मेरे खिलाफ थे ही, पर माने भी मेरा साथ नहीं दिया। हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या चाहता था मैं? सिर्फ इतना ही ना कि मेरा खुद का कोई बिजनेस हो, मैं अपने बलबूते पर आगे बढ़ूं। अगर मेरा नाम होता है तो नानावटी परिवार का नाम भी तो ऊंचा होता है। आखिर मैं भी नानावटी परिवार का हिस्सा था, इसमें गलत क्या था? समीर को मैं कैसे समझाऊं? गलत तो वो हमेशा से ही रहा है, कभी उसके ख्याल गलत थे तो कभी उसका तरीका। पता नहीं वो हर बार ऐसा क्यों करता है। घर वालों को भी क्या दोष दे, जब समीर उनके साथ चलना नहीं चाहता तो वो उसका साथ क्यों दे? आज न चाहते हुए भी मुझे उसका साथ देना पड़ रहा है, क्योंकि वो मेरा पति है। घर वाले उसे छोड़ सकते हैं, मैं उसे कैसे छोड़ूं? अब मैं अपने बलबूते पर अपना साम्राज्य खड़ा करूंगा। जो मैं साथ रहकर ना कर सका वो अकेले करके दिखाऊंगा। मुझे किसी की जरूरत नहीं, इस घर से और इस परिवार से मेरा कोई रिश्ता नहीं। मेरी डोर तो इस परिवार के साथ बुनी हुई है, मुझे कितनी तकलीफ होगी ये भी नहीं सोचा। एम्पायर खड़ा करना चाहता है, जो काम सबके साथ मिलकर नहीं कर पाया वो अकेला क्या कर पाएगा? इस परिवार से अलग होकर वो अपने आप को बर्बादी की खाई में ढकेल रहा है। अब मैं पीछे हटने वाला नहीं। अगर बाबूजी अपने सपनों का महल खड़ा कर सकते हैं तो मैं भी अपने सपनों का महल खड़ा करके ही रहूंगा। सनत भैया,
आपको पता चला समीर भैया ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। क्या हुआ? उन्होंने प्रेस में जाकर कहा कि नानावटी परिवार के सारे कारोबार से वो अपना नाम हटा रहे हैं। You mean dissolution? हाँ वही। नहीं, उसने ये कहा होगा कि वो डिसोल्यूशन चाहता है, हुआ थोड़ी है। हाँ वो तो है, पैसे मिले बगैर समीर भैया ऐसा नहीं कर सकते। पर सनत भैया, सप्लायर्स ने माल देना बंद कर दिया तो? नहीं, वे लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि बाबूजी ने सभी की मीटिंग बुलाकर ये कहा है, डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पर ये समीर भैया, उसका फैसला हो जाना चाहिए, लेकिन हिस्सा मिलते ही वो शांत हो जाएगा। काश ऐसा ही हो, पर ऐसा होगा नहीं। हेलो, राजू राजकोट वाला स्पीकिंग। वापस राजकोट जाने की तैयारी शुरू कर लो। कौन है बे? समीर बोल रहा हूँ। अरे समीर भैया, समीर भैया आप मुझसे क्यों नाराज हैं? सेठ पुरुषोत्तम नानावटी को मेरा एक संदेशा देना। जरा होल्ड कीजिए, मैं मामा जी को बुलाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी है। उनसे कह देना कि मुझे मेरी ओरिजिनल डिमांड्स चाहिए। ओरिजिनल डिमांड्स? यस, 25 करोड़, खंडाला का फार्म हाउस और नानावटी बंगलो। समीर भैया आप सोचिए तो सही। राजू, मुझे जो सोचना था मैंने सोच लिया है, अब सोचने की बारी पुरुषोत्तम दास नानावटी की है। देखिए, अपने बाबूजी के बारे में उनका नाम लेकर बात करना ठीक नहीं है, ओके समीर भैया? सुनो, ये सारी नसीहतें उन्हें देना अपने मामा जी को। मैं सिर्फ 7 दिन का वक्त दे रहा हूँ, वरना। देखिए, मैं चुपचाप सुन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलते ही जाएंगे। क्या कर लेंगे आप? मोल्डेड लगेज की फैक्ट्री में प्रॉब्लम खड़ा कर दूंगा, और ये मेरी ओपन चैलेंज है राजू। आप होश में तो है? और सनत भैया से भी कह देना। ए, मैं आपका प्यून नहीं हूँ। राजू, मैं जब नानावटी ग्रुप का चेयरमैन बन जाऊंगा ना, तब तुम्हें प्यून की नौकरी भी नहीं मिलेगी, इतना याद रख। सनत भैया से कह देना कि वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सनत भाई बड़े हैं और चेयरमैन वो ही बनेंगे। चेयरमैन तो खैर मैं ही बनूंगा राजू, और अगर उन्हें कोई एतराज है तो वो अपनी जगह। और हाँ, उनसे ये भी कहना कि मेरे घर छोड़ने से इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि मैं वापस लौटूंगा और सब कुछ लेकर जाऊंगा, इतना याद रख। हेलो। हाँ हेलो सरद भैया, मीनू बोल रही हूँ। अरे मीनू, कैसी हो? यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। क्या हो गया? अपने दिल्ली के अस्पताल चोरी हो गई? गॉड भैया, आपको इस माहौल में भी मजाक सूझ रहा है। कैसा माहौल भाई, वहाँ सब ठीक ठाक तो है? नहीं, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। अच्छा सुनो, बाबूजी घर पर है या नहीं? बाबूजी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, वहाँ गए हैं स्ट्रेस टेस्ट के लिए। मगर तुम अपनी आवाज से परेशान लग रही हो, क्या है? हाँ मैं परेशान हूँ भैया, समीर भैया यहाँ आए थे। ओ आई सी, अब मैं समझा। नहीं आप कुछ भी नहीं समझे, उन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स और बढ़ा दी है। उन्होंने जितने लोगों को काम पे रखा था उन्हीं लोगों से रेजिग्नेशन दिलवाया है। तो क्या फर्क पड़ता है? हिंदुस्तान में काम की कमी है, काम करने वालों की नहीं, और लोग आ जाएंगे। लेकिन भैया यहाँ वार्ड बॉयज तक नहीं है अस्पताल में, हमारी अस्पताल शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगी। अच्छा, तो बाबू जी से मैं बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ नहीं। तुम कहती है तो मैं आ जाऊँ? नहीं, आप यहाँ आकर क्या करेंगे? वैसे भी समीर भैया ने मैनेजमेंट के लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है, डायरेक्टली नहीं अपने दोस्तों को कहकर। अच्छा ठीक है, जैसे बाबू जी आते हैं मैं कहता हूँ तुमसे बात कर ले। हाँ प्लीज, और बाबूजी से ये कहना कि समीर भैया को जो चाहिए जितना चाहिए देकर इस मामले को रफा दफा करें, बस बहुत हो गया। मीनू, क्या यही एक हल है, दूसरा कोई रास्ता नहीं? यही रास्ता है, और हमारे पास वक्त बहुत कम है। नहीं, तुम्हारी बात सही है, हमारे पास वक्त नहीं है, और फैसला बाबूजी करेंगे, देखते क्या होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मिस्टर मर्चेंट, मॉर्निंग। कहिए मिस्टर नानावटी, आपने हमें कैसे याद किया? आप पहले बैठिए तो सही, इत्मीनान से बैठिए। कहिए क्या लेंगे आप, चाय कॉफी ठंडा? जी कुछ नहीं, थैंक यू। मिस्टर मर्चेंट, मुझे आपसे कुछ पर्सनल पर बिजनेस की बात करनी है। कहिए।
वैसे तो मिस्टर मर्चेंट आप हमारे यानी नानावटीज के कॉम्पिटिटर हैं, पर आज तो मैंने सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से आपको बुलाया यहाँ पर। यह तो आपका बड़प्पन है। मुझे पता है कि आप जापानीज कंपनी से रॉ मटेरियल खरीदना चाहते हैं। चाहने से क्या होता है? क्यों नहीं होता, बिल्कुल हो सकता है। मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। कैसे? आप सिर्फ उस कंपनी से कॉन्टेक्ट तो कीजिए। वो तो मैं कई बार कर चुका। मिस्टर मर्चेंट, बिजनेस में सही मौके देखे जाते हैं और मेरे हिसाब से ये मौका आपके लिए बहुत सही है। आप कैसे कह सकते हैं कि यही सही मौका है? क्योंकि जापानीज कंपनी नानावटी ग्रुप को रॉ मटेरियल देना बंद कर रही है। क्यों? क्योंकि वो लोग नानावटी को क्रेडिट देना नहीं चाहते। इतने सालों से तो दे रहे थे, अब क्या हुआ? वो ये हुआ कि नानावटी ग्रुप की सारी फर्म्स डिसॉल्व हो रही है। क्या बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और मिस्टर मर्चेंट, कोई भी डूबती हुई नैया पर सवार होना नहीं चाहता, इसलिए वो लोग माल देना नहीं चाहते। अच्छा? यस। और इससे जापानीज कंपनी में काफी माल जमा पड़ा रहेगा जो आप आसानी से खरीद सकेंगे। मेरे हिसाब से तो मिस्टर मर्चेंट ये सही मौका है और आपको ये मौका कभी गंवाना नहीं चाहिए। यू आर राइट, थैंक यू। हेलो, हेलो माँ जी, मैं बोल रही हूँ। पारो, पारुलता। पारो, कैसी हो बहू, कहाँ हो तुम? अच्छी हूँ माँ जी, हम लोग यहाँ इलाइट होटल में ठहरे हैं। हाँ, मेरा अक्षय बेटा कैसा है? अच्छा है, आप लोगों को बहुत मिस कर रहा है। माँ जी, आप समीर के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे? उसका नाम भी मत लो मेरे सामने। मेरे तीन ही बेटे हैं और शेखर के चले जाने के बाद अब दो ही रहे। समीर बोल रहा हूँ माँ। तारीफ के लिए शुक्रिया। बहुत खुश होंगी आप, बाबूजी ने मुझे कुछ भी देने से इनकार कर लिया और मैं चुपचाप यहाँ चला आया इसलिए। लेकिन अब मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ माँ। मैं तुम्हारे साथ कोई बात नहीं करना चाहती, ना ही तुम्हारी बकवास सुनना चाहती हूँ। बहू को फोन दो। बहू? माँ, जब मैं तुम्हारा बेटा नहीं तो पारो तुम्हारी बहू कैसे हुई? समीर, ठीक है बात मत करो लेकिन सुन तो सकती हो। सुनो माँ, बाबूजी ने मेरे साथ जो अन्याय किया है उसका बदला मैं लेकर रहूंगा। समीर, मुझे सचमुच बहुत खुशी हुई तो घर छोड़कर चला गया। शरीर का कोई हिस्सा अगर सड़ जाता है ना तो उसे काट कर फेंक देना ही अच्छा होता है। खुशी तो मुझे भी है माँ, लेकिन मैं इतनी आसानी से कटने वाला हिस्सा नहीं हूं। आपके पास एक मौका है, मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए, बाद में भूल सकते हैं, लेकिन तब तक मैं याद दिलाता रहूंगा कि मैं हूं। क्या कर लेगा तू? बोलना नहीं चाहता था, करके दिखाना चाहता था। खैर, तुमने पूछ ही लिया तो सुन लो। मैं प्रेस में बयान देने जा रहा हूं कि मेरे नाम से नानावटी की किसी भी कंपनी को एक पैसा भी उधार न दिया जाए। नानावटी के नाम को मिटाकर ना रख दिया तो मेरा नाम भी समीर। नानावटी के नाम को मिटाने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने आप को मिटाना होगा और ऐसा हो नहीं सकता। लेनदार जब उधारी वसूल करने के लिए दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़े रहेंगे ना, तब मेरी बात समझ में आएगी माँ। पाई पाई के लिए मोहताज कर दूंगा तुम सबको मैं। काश, काश मेरे तीन ही बेटे होते। मैं हूं और रहूंगा। और सुन लो, जमीन जायदाद गाड़ियां बंगलों सब बेचना पड़ेगा बाबूजी को, और ये सब भी इतनी आसानी से बिकने नहीं दूंगा। जहां जहां भी मेरा नाम बतौर पार्टनर जुड़ा हुआ है मैं सौदा होने ही नहीं दूंगा। ठीक है? तुमसे और उम्मीद भी क्या हो सकती है? उछाल ले नानावटी का नाम, जितना भी उछालना हो उछाल ले, लेकिन याद रखना एक दिन ऐसा आएगा जब तू अपनी नाक रगड़ता हुआ वापस लौटेगा और अपने आप को नानावटी कहलाने के लिए भीख मांगेगा। तू भीख मांगेगा। एक महल हो सपनों का,